नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज आप सभी दर्शकों को लेकर चल रहे हैं भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के यात्रा। जी हां, भगवान शिव जब सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन जब हो रहा था, उस वक्त अमृत और विष और बहुत सारे अनमोल धरोहर उस मंथन से प्राप्त हुए, लेकिन विष को किसी अन्य तीनों लोगों में किसी अन्य को परेशानी ना हो, जब सभी देवता व्याकुल हो गए, तब भगवान शिव शंकर ने उस हलाहल विष को धारण कर लिए, पी लिए। और जब विष पी लिए तो विष में की जो जलन थी वो जलन उन्हें तकलीफ देने लगी और उस जलन की तपिश से वो भी खुद व्याकुल हो गए, इतना हलाहल विष था। भगवान शिव शंकर ने फिर उस विष को अपने गले में रोक ली और गले में ही रोकने के कारण उनका गला तब विष के प्रभाव से नीला हो गया और तभी से भगवान शिव के इस रूप का नाम नीलकंठ हो गया। तो भगवान शिव के इस नीलकंठ स्वरूप का जब वो फिर भी व्याकुल हो गए तो इस तपिस जो विष का तपिस था उससे शांति प्राप्त करने के लिए भगवान पहाड़ों में चढ़कर तपस्या किए हैं कई हजार वर्षों तक। तो जहां तपस्या किए हैं उस मंदिर में अब नीलकंठ के नाम से आप लोग सभी जानते हैं। तो आज हम और आप सब भगवान शिव शंकर के नीलकंठ स्वरूप के यात्रा पर चल रहे हैं। बीच में इसका तो नॉइस आपको कम कर देंगे बैकग्राउंड, लेकिन बीच में अनएडिटेड फुटेज आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे मनमोहक रमणीय दृश्य आपको मिलेंगे। और इससे पूर्व कल हम लोग अमावस्या के दिन ही आए थे और अमावस्या के दिन विधिवत गंगा स्नान करके गंगा तट पे हर की पैड़ी पे माता पिता दादा दादी नाना नानी ये जो भी ज्ञात अज्ञात सात पुस्तों में मृत हो चुके हैं हमारे पूर्वज, उन सभी के नाम से पूजा पाठ जल तर्पण विधिवत रूप से किए। उसका तो आपको ब्लॉगिंग नहीं दे पाए, लेकिन भगवान नीलकंठ के स्वरूप का ब्लॉगिंग आप सबको देखने को मिलेगा। अब आपको आगे बीच बीच में फुटे देखने को मिलता रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और साथ में ऋषिकेश से जो हम लोग अब चले हैं ऊपर इस यात्रा पर, इस यात्रा में ऋषिकेश तक तो हम लोग अपने पर्सनल कार से आए, उसके बाद टवेरा में बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं तो उन सबके साथ हैं। और अब ये नीलकंठ की यात्रा पे चलेंगे, बीच में बहुत सारे मनमोहक दृश्य भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं नीलकंठ की यात्रा पर और भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन है, लेकिन आपको जब ये ब्लॉगिंग मिलेगा, जब ये वीडियो मिलेगा तो जाहिर सी बात है काफी दिन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है तो शायद मैं जल्दी ना दे पाऊं, लेकिन कोशिश रहेगा कि नवरात्रि के सप्तमी अष्टमी तक में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज नीलकंठ की यात्रा के बाद माता मनसा देवी का भी यात्रा करेंगे। बैराज पे आ चुके हैं, आप ये बैराज देख रहे होंगे, इसको बैराज बताया जाता है और ये माता गंगा नदी पर बना हुआ है। इधर तो फिर भी जल कम है, लेकिन बैराज के उस साइड में यदि जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जल है, जिसको जल को रोका गया है। अब आपको हल्का दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखें किस प्रकार से कितनी गहराई है माता गंगा जी के इस जल में, और बहुत ही पवित्र है ये और हम सबको तारने वाली
हर कष्ट को हरने वाली पवित्र पावनी माता गंगे, जिनके लिए आप और हम कहां कहां से आते हैं दर्शन करने के लिए। माँ गंगा का एक बूंद भी यदि आपके पूजन में लग जाता है तो बोलते हैं शुद्धि हो जाती है, आपके घर की शुद्धि, आपके आत्मा की शुद्धि, आपके मन की शुद्धि और हर प्रकार की शुद्धि के लिए यदि शुद्धिकरण अपने मन को चाहते हैं तो पवित्र मन से जिस दिन माँ गंगे का स्मरण करते हैं, माँ गंगे में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उस दिन आप पाते हैं कि माँ गंगे की कितनी कृपा है, इतनी शीतल जल, इतनी मीठी जल। और जहाँ जहाँ माँ गंगा का जल का धारा हमारे देश में निकला है या पृथ्वी में लोक में निकला है, हर जगह अरबों खरबों की प्रकृति का सौंदर्यता प्लस जड़ी बूटियों का संगम और वहाँ का रहन सहन जीवन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आप बिजली हो या अनाज हो, उपजाऊ हो, आपने सुना होगा कि गंगा किनारे का जो ज़मीन होता है उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ होता है। तो ये गंगा जी सिर्फ हमारी ये नहीं कि शास्त्रों के लिए लाभदायक है, ये बहुत सारे चीज़ों के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये माता गंगा का है और पवित्र पावनी नदी है, तो सोचे हल्का सा ये बैराज से माँ गंगा का आपको दर्शन करवा दें। अब ये एक छोटा सा आप देख लें, ये लक्ष्मण झूला है, काफ़ी मान्यता है इस लक्ष्मण झूला का, इस लक्ष्मण झूला का भी काफ़ी मान्यता है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे अगर ये पेड़ पौधे ख़त्म हो तब, अभी आपको देखेंगे। ये मंदिर है, ये बहुत प्यारा मंदिर, मैं इस पर चढ़ा हूँ। नहीं ना, नहीं लक्ष्मण झूले पे जाएंगे नहीं, चलें। ये राफ्टिंग का देखें, तो उस पुल को आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये, और सुंदर नज़ारे के साथ साथ यहाँ पर जो ड्राइवर होते हैं काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, हर 20 सेकंड के अंदर मोड़ आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों की वादियाँ और इन वादियों में आपको अंधेरा होने पर हाथी भालू शेर चीते सब नज़र आते हैं, इसलिए अंधेरा होने पर पुलिस वाले का सख्त मनाही। अब आपको नीचे गंगा जी दिखाते हैं, तो वो देखिए कि गंगा जी किस प्रकार से कलकल कलकल बहती जा रही हैं। आपको नीचे गंगा जी दिख रही होंगी, वो देखें माता गंगा जी का नज़ारा कितना पवित्र है। और इस नज़ारे में देखिए टूरिस्ट लोग किस प्रकार से नज़ारे, किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। ये कुछ गाजियाबाद के टूरिस्ट हैं, इनसे मेरी बात हुई है, और ये सब गाजियाबाद के टूरिस्ट हैं, और ये राजस्थान के टूरिस्ट हैं, ये सब टूरिस्ट हैं, तो ये सब भी बहुत प्यारे हैं और रमणीय स्थल में आए हुए हैं। और ये देखिए राफ्टिंग हो रही है वहाँ पे गंगा जी में, बोटिंग हो रही है, बहुत प्यारा नज़ारा है, ऐसा लगता है कि वो आसमान में देखो बादल बिल्कुल पहाड़ों से जाकर मिले हुए हैं, तो साक्षात आप बोल सकते हैं कि स्वर्ग लोक का नज़ारा आपको इस जगह मिलेगा। तो फिर आगे मिलते हैं। अब हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं और ये इतना सुंदर नज़ारा है कि इस नज़ारे को देखने के लिए अब आइए चलते हैं। नीलकंठ के आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और कुछ समय के बाद आपको नीलकंठ के रास्ते पे भी दिखाएंगे कि ये नीलकंठ कितना प्यारा जगह है। कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आएं और ये देखें कितना खूबसूरत ये वादियां हैं, ये पहाड़ों का संगम जो हुआ है वो ऐसे लग रहे हैं जो नीले आसमान से बिल्कुल पहाड़ सटे हुए हैं। तो ये ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बाबा भोलेनाथ की नगरी, नीलकंठ महाराज की नगरी, आज पावन समय है, नवरात्रि का पावन समय है, काफ़ी टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं, ये सब टूरिस्ट लोग भी हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, तो ब्लॉगिंग में आप लोगों को और भी आगे दिखाएंगे।
तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बीच में कुछ ब्लॉगिंग कर लें, तो कुछ फुटेज आप लोगों को डालेंगे ऐसा कि जो रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने उसका कुछ अपना भी चेहरा दिखा दूं, इसलिए आप लोगों को मैंने ये रिकॉर्डिंग डाला। चलिए फिर आगे आपको दिखाते हैं बाबा नीलकंठ महाराज की नगरी। चलिए आगे मिलते हैं फिर। यहाँ चप्पल उतारना, चप्पल वहीं उतारना। ये देखिए नीलकंठ आ चुके हैं और अब नीलकंठ बाबा महाराज की नगरी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं साथ में, तो अब बाबा की नगरी पहुंच गए। बाबा की नगरी की अपनी खासियत है कि यहाँ आप आते हैं तो मन को सुकून मिलती है, शांति मिलती है। बहुत ही प्यारा है जगह, ये रमणीय स्थल है। ये एक मंदिर देखें, द्वादश ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग है ये। नीलकंठ के रास्ते में आप, मंदिर के रास्ते में आप देखोगे तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ प्रसाद का दुकान भी लगा हुआ है। इन रास्तों पे ये काफ़ी अच्छे अच्छे दुकान लगाए हैं। और अब बाबा की नगरी बस आ चुका है। अब हम लोग ये नीलकंठ भगवान के रास्ते में, मंदिर के रास्ते में, मंदिर के लिए जो प्रसाद लोग चढ़ाते हैं, तो यहाँ प्रसाद के साथ साथ काफ़ी धार्मिक चीज़ें मिलती है। ये भी एक अच्छा जगह है, आप लोग अपना कुछ पर्सनल सामान लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऋषिकेश से आप जब आएंगे तो ऋषिकेश से डायरेक्ट ऑटो तो नहीं, लेकिन ऐसे गाड़ी जो आप देख रहे हैं अर्मदा ग्रांड या टवेरा वगैरह, ये आपको ऊपर तक लेके आ जाएंगे। 300-400 रुपये लेंगे, आना जाना कर लेंगे ये लोग। ये बहुत नया रेस्टोरेंट के जैसा बना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नीलकंठ मंदिर के पास बन गया। ये जब हम पहले आते थे तो नहीं बनता था, बना हुआ था, अब ये नया बना है मॉल के जैसा। फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ है इसमें। ये खूबसूरत वादियाँ और ये होटल, ये सब आपको देखने को। ये बाबा नीलकंठ का ये गेट है, इसे भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ये देखें बहुत टूरिस्ट। आज के दिन में नवरात्रि का पहला दिन है तो भी बाबा की नगरी में बहुत अच्छे, काफ़ी भीड़ है। ये भगवान श्री नीलकंठ का रास्ता है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत प्यारा रास्ता है। और यहाँ से काफ़ी श्रद्धालु लोग जाते हैं अंदर। ये भगवान नीलकंठ का रास्ता है। ये बाबा नीलकंठ के मंदिर में पहुंच चुके हैं हम, और बाबा नीलकंठ का दरवाजा ही है। बाबा नीलकंठ का प्रांगण है और ये प्रांगण भी काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये भैरव बाबा का मंदिर है, इस मंदिर में भी काफ़ी शुभ, मतलब काफ़ी अच्छे यहाँ के परिदृश्य है। तो आपने को सोचा है कि छोटा सा बाबा नीलकंठ की यात्रा का दर्शन करा दें, ये बहुत ही अच्छा दर्शन। ये रिपोर्टिंग पुलिस चौकी श्री नीलकंठ महादेव का आपको दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। चलिए फिर आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको।
काफ़ी अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा मंदिर है। कि आप लोगों को नीलकंठ का यात्रा सोचे करवा दे, तो नीलकंठ का आज ये अभी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में है सिद्ध समाधि स्थल, आपको दिखाते हैं। ये सिद्ध समाधि स्थल है, यहाँ भी भगवान भोलेनाथ समाधि स्थल में लेटे हुए हैं। तो अब इसका दर्शन करते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। ये नीलकंठ मंदिर का प्रांगण है और साक्षात नीलकंठ मंदिर है। कर्पूरे गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। हाहाकार किन गुर दारुण सुनि शिव साप कंपित मोहि बिलोकियति उरु प्रजा परिताप। करी दंडवत सब प्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समझि घोर गति मोरी। नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदास्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। निराकार मूंकार मूलम तुरेयम गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारं नतोहं। तुसाराद शंकास गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं अस्फुर्णो निकल्लोलिनी चारु गंगाल सद बाले भाले दो कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रोशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगादेश चर्मां ब्रह्मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिं प्रकाशं। त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन मतारी। न यावद उमानाथ पादा रविंद्रम भजन्ति लोके परिवानराणम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीदा प्रभु सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा संभूतोभ्यं। जरा जन्म दुखो गतातपमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि ससाम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसि ये पठन्ति नराभक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। इति श्रीमद् रामायणे विप्रकृत्यं रुद्राष्टकम् श्री शिवर्पणामस्तु। ओम शांति शांति शांति। ये नीलकंठ मंदिर में आप सब देखें कि कितना प्यारा हनुमान जी यहाँ प्रसाद भी खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, रमणीय है। अब ये पूजन हमारा संपूर्ण हो चुका है, नीलकंठ की यात्रा संपूर्ण हो गई और आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। वैसे ये जब आपको ब्लॉगिंग मिलेगा तो नवरात्रि कई सारे पूजा शायद हो जाए, लेकिन ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, ऐसा नज़ारा फिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको ये जीना दिख रहा होगा, सीढ़ी नुमा खेत, ये भगवान भोले की नगरी है और नीलकंठ महाराज का यहाँ पर मंदिर है जो अभी आपको पहले दिखाएं। और इस मंदिर में यहाँ पर रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान भोलेनाथ बाबा की नगरी में रहते हैं
और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों में आप नज़ारा देखें, कितने प्यारे प्यारे लोग बसे हुए हैं। और ये इतने खूबसूरत नज़ारे शायद पृथ्वी में कहीं और देखने को ना मिले। जहाँ जहाँ हमारे माता रानी या भगवान का वास है, वहीं वहीं पर आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं कि जब प्रभु का वास तो यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण चराचर जगत में निरंकार रूपी ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ प्रभु स्वयं व्याप्त हैं, ऐसे नज़ारे देखने को कहाँ मिलेंगे। तो सभी भक्तजनों को मैंने सोचा कि भगवान नीलकंठ के यात्रा का आप सभी को एक छोटा सा दर्शन करवा दें। अब ये ट्राली में चले हुए हैं माता मनसा देवी के यात्रा के लिए। अब आप सभी को ट्राली दिख जाएगा, ये देखें ये ट्राली चल रहा है। तो अभी हम भी ट्राली में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे और भी 3 भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, माता के भक्त हैं। तो उन भक्तों का भी इसमें एक ट्राली में 4 लोग जाते हैं, और अब जहाँ आधे से 1 घंटे का रास्ता होता है, वो करीब 5 मिनट से 10 मिनट में आप ट्राली में चढ़ जाते हैं। और साथ में बैठने वाले कुछ श्रद्धालु जो गाज़ियाबाद से आए हैं, उनमें से एक श्रद्धालु का हालत ख़राब हो रहा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है ट्राली, बहुत सुंदर अच्छा है ये नज़ारा। ये श्रद्धालुगण भक्तगण सभी अपने अपने मोबाइल से सुंदर मनमोहक दृश्य को अपने कैमरे में बस एक बार कैप्चर कर लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस बेहतरीन पल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस दृश्य को बस पल भर के लिए भी मिस नहीं करना है। और इस दृश्य को अब यहाँ से देखें कि माँ गंगा के तट का कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। ये दृश्य मनमोहक, ऐसा अलौकिक सुंदरता, जैसा लगता है स्वर्ग का मिलन धरती से यहीं पर हो रहा हो, ऐसी सुंदरता, रमणीय स्थल जो कुदरत का, ये जो अद्भुत सौंदर्य का नज़ारा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो माता के भक्तों के लिए खास माता का उपहार है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा हरिद्वार आपको देखने को मिलेगा, और किस प्रकार से अत्यंत ही आँखों को निर्मल पल कर देने वाला ये दृश्य है, ये मनमोहक दृश्य है। इस दृश्य को आप देखेंगे, और कई लोग डरते हैं ट्राली पे बैठने में, लेकिन माता रानी का नाम लेने वाले को डर किस बात का। जब माता ने बुलाया है तो फिर तो डर तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये माता गंगा का नज़ारा आपको यहाँ से दिखाते हैं, माता गंगा जी का नज़ारा हरिद्वार का। और अब आप सामने देखें नज़ारा, किस प्रकार से ये नज़ारा आ रहा है, बहुत ही सुंदर अद्भुत मनमोहक दृश्य है। अब इस दृश्य को आप देखें, इस दृश्य को आप देखें, मनमोहक दृश्य है, ये मनमोहक दृश्य है। और अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। मनसा देवी मैया की जय हो।